अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शीला शहजादी, विली शेफ किचन की तरफ से हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप हम आम रूटीन में बनाते हैं और बहुत शौक से कुछ लोग खाते भी होंगे। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले विली शेफ किचन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बनाने में क्या वाली हूँ ये तो मैंने बताया ही नहीं। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ किया तोरी, जो कि आज हम किया तोरी बनाएंगे चिकन के बगैर। तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है एक देचकी, और अब देचकी के अंदर मैं 2 बड़े चम्मच इसमें घी ऐड करूंगी। और अभी मैं इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ, 2.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसकी अच्छी तरह गर्म करूँगी मीडियम फ्लेम पे। घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी, 1 बड़ा कटा हुआ मैंने प्याज इसमें ऐड कर दी। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके मसाले को रेडी करूँगी, ताकि एक ही जगह पे मसाले का नमक का टेस्ट ना आए, बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी, ताकि जो मसाला है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। जितना अच्छा मसाला तैयार होगा हांडी में भी उतना ही ज़्यादा टेस्ट होएगा पकने के बाद। देखिए मसाला कितना अच्छा रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा जो घी है वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो सब्ज़ी है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। अब मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करूँगी, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें सब्ज़ी ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने किया तोरी ली थी उसको मैंने ब्रीक ब्रीक गोल गोल शेप में और चौक की शेप में इसको मैंने कटिंग कर लिया होगा। हल्का सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और अब मैं इसको हमारी जो हांडी है वो कहाँ तक पहुँच गई है, 5 से 10 मिनट तक रेडी हो जाएगी, 5 से 7 मिनट तक, क्योंकि जो तैयार कर रही है वो बहुत अच्छे से गलने पे आ गई है। इसको बुनाई इसकी करते वक्त ये गल जाएगी। अब मैं इसकी अच्छी तरह से इसको भूनूंगी, 5 से 7 मिनट तक मैंने बनाई की है, बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ग्रीन धनिया ऐड करूंगी, और इसको एक दफ़ा हिलाने से जो तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ एक बाउल में। हमारी आज की वीडियो जो कि किया थोड़ी थी वो बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा मैं आपके लिए डेली बेसिस पर वीडियो लेके आती रहूँगी। तो इसके साथ शहजादी को इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।